सी बात है कि जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी और उसको मैं 20% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो हमें यहां फालतू प्राप्त करना है और ज्यादा प्राप्त करने के लिए देखिए 120 ऊपर और बटे 100 नीचे करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 120। इसका मतलब वह वस्तु मुझे 120 में बेचनी पड़ेगी। और अगर मैं ये बोल देता हूं, अगर मैं विक्रय मूल्य को बोल देता हूं तो मैं कहता हूं एक वस्तु मैंने 120 रुपए की बेची। ये देखिए एक वस्तु मैंने 120 रुपए की बेची और जिस पर मुझे 20% लाभ प्राप्त हुआ। देखिए 20% लाभ प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम वापिस क्रय मूल्य को निकालते हैं तो 100/120 को उल्टा कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, तो वापिस हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, तो हमें ये अच्छी तरह से पता होता है कि जब हम किसी वस्तु पर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम 100 की लेते हैं तो हमें ज्यादा की वो बेचनी होती है। और अगर इसी तरह से काम और समय में मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, बहुत ही इजी मेथड है आपके लिए अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं कि देखिए ए एक काम को 20 दिनों में करता है जबकि बी उससे 20% अधिक काम करता है, बताओ कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए स्टूडेंट्स इंग्लिश में, ए डज ए वर्क इन 20 डेज व्हाइल बी वर्क्स 20% मोर देन ए, देन हाउ मेनी डेज विल टेक बी टू कंप्लीट दिस वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, ए एक काम को 20 दिनों में करता है, तो हम इसी काम और समय के मेथड से आपको ये इजी मेथड बताएंगे कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, ए एक काम को 20 दिनों में करता है तो आप 20 लिख लीजिए। देखिए सिर्फ आप 20 लिख लीजिए। अब कहता है कि जबकि बी उससे 20% अधिक काम करता है। स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 8 रुपए हैं, इट मींस मेरे पास 10 हैं, मेरे पैसे ज्यादा हैं और आपके पास कम है 8 रुपए, तो आपके कम है, आपके मेरे से कम है। लेकिन काम और समय में स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल विपरीत होता है। जब हमें पता है कि एक काम को 20 दिनों में करता है और बी उससे 20% अधिक काम करता है, तो काम और समय में जो 20 दिन में करता है वो 20 दिन में जो करता है और दूसरा उससे ज्यादा काम करता है तो वो उससे कम दिनों में करेगा। ये बात इसमें याद रखने की है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना चाहिए। अगर मैं एक काम को 20 दिन में करता हूं और आप काम को 15 दिन में करते हैं, इट मींस आप काम में मेरे से तेज हैं। तो काम और समय में रुपए और पैसे में पैसे ज्यादा होना जिसकी तरफ उसी तरफ झुकाव होता है, लेकिन काम और समय में जिसके दिन कम होंगे वही काम में ज्यादा होगा, वही काम में बड़ा होगा। यहां क्लियर है कि ए एक काम को 20 दिनों में करता है और बी उससे 20% ज्यादा काम करता है, तो इसका मतलब बी का काम 20 से कम होना चाहिए। इसलिए अब यहां पर देखिए, इसी लाभ और हानि की तरह हमें पता है कि हम 100 रुपए की चीज को 20% लाभ में बेचना चाहते हैं तो यहां पैसे ज्यादा आएंगे, लेकिन काम और समय में बिल्कुल इससे विपरीत होता है। ए एक काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उससे 20% ज्यादा काम करता है, इसका मतलब 20% ज्यादा काम करता है तो गुना का निशान लगा के आप देखिए 20% ज्यादा काम करता है तो उल्टा कर दीजिए इसको 100/120। क्यों? क्योंकि हमें 20 से कम दिन लाने हैं यहां। क्यों? क्योंकि बी के दिन जब 20 से कम आएंगे जबी बी काम में तेज होगा, तो इसलिए हम इसको काटते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 6 पे यानी 50/3 यानी 16 सही 2/3 दिन, इसका मतलब ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी उससे 20% अधिक काम करता है तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी उस काम को 16/2/3 दिन में करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर इंग्लिश में बताता हूं कि ए डज ए वर्क इन 20 डेज व्हाइल बी वर्क्स 20 मोर देन ए, देन हाउ मेनी डेज विल टेक बी टू कंप्लीट दिस वर्क। देखिए स्टूडेंट, इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको कि राम एक काम को 12 दिन में करता है जबकि श्याम उससे 60% अधिक काम करता है। यही क्वेश्चन सर, देखिए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, वह यही क्वेश्चन है कि राम एक काम को 12 दिन में करता है जबकि श्याम उससे 60% काम अधिक करता है, बताएं कि श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। राम कंप्लीट्स ए वर्क इन 12 डेज व्हाइल श्याम डज 60% मोर देन श्याम, हाउ मेनी डेज विल टेक श्याम टू फिनिश दिस वर्क।
वही बात है स्टूडेंट्स, राम एक काम को 12 दिन में करता है। देखिए राम एक काम को 12 दिन में करता है जबकि श्याम इससे 60% ज्यादा काम करता है। इट मींस हमें 12 से 60% ज्यादा करने वाले के दिन कम होंगे, तो हम क्या करेंगे 12 गुना 100 बटा 60, क्योंकि ऊपर कम और नीचे ज्यादा होने से आगे दिन कम हो जाएंगे और कम दिन वाला हमेशा बड़ा होता है। देखिए स्टूडेंट सॉल्व बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहता है राम एक काम को 12 दिन में करता है जबकि श्याम उससे 60% अधिक काम करता है। यानी राम एक काम को 12 दिन में करता है और श्याम जो है उससे 60% अधिक काम करता है। काट सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए ये देखिए पंद्रह बटा 2। देखिए इसका मतलब 7.5 दिन। इसका मतलब अगर राम एक काम को 12 दिन में करता है और श्याम उससे 60% अधिक काम करता है तो श्याम उस काम को 7.5 दिन में करेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कभी भी ये बात हमेशा याद रखें कि जो काम में बड़ा होता है, जो काम में ज्यादा होता है, उसके दिन हमेशा कम होते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सब ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा 6 दिन बाद 4 और मजदूर कार्य में शामिल हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट्स, 12 men कंप्लीट ए वर्क इन 18 days। दे स्टार्ट बट आफ्टर 6 days 4 more men ज्वाइन द वर्क। हाउ मेनी डेज विल टेक ऑल द मैन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। स्टूडेंट्स देखिए 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैं इस काम का पूरे काम का प्रोडक्ट बनाता हूं, 12 गुना 18 गुना 12 पूरे काम का प्रोडक्ट हमारे सामने आता है 216। देखिए स्टूडेंट्स 12 मजदूर एक काम को 18 दिन में करते हैं तो मैंने 12 गुना 18 कर दिया जिससे एक काम का प्रोडक्ट जो है वो 216 आ गया। फिर उसके बाद में कहता है कि सब ने मिलकर कार्य शुरू किया 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक क्या किया, 6 दिन बाद कुछ भी हुआ हो स्टूडेंट्स, लेकिन 6 दिन तक इन 12 आदमियों ने क्या किया, तो 12 आदमियों ने 6 दिन तक क्या किया, 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। कितना काम कर दिया ये देखिए स्टूडेंट, 12 6 72 बेहतर काम हो चुका है, 216 काम सारा था, बेहतर काम हो चुका है, तो हमने 72 को इसमें से घटाया, देखिए स्टूडेंट्स 144 काम बच गया। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं तो पूरे काम का प्रोडक्ट 216। कहता है उसके बाद कहता है कि सबने मिलकर काम शुरू किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए, तो 6 दिन बाद क्या हुआ, 6 दिन बाद जो हुआ बाद की बात है, लेकिन 6 दिन तक क्या हुआ, 6 दिन तक 12 मजदूरों ने काम किया, कितना 12 गुना 6 बेहतर काम हो गया, 144 बच गया। उसके बाद कहता है 4 मजदूर और आ गए, कोई बात नहीं 4 आ गए तो 12 तो पहले ही है, तो 12 में 4 और जोड़ दिए कितने हो गए 16। कहता है 16 अब कहता है मजदूर 4 मजदूर कार्य में शामिल हो गए तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए 16 आदमी टोटल हो गए, अब 16 आदमियों को काम करना है और कहता है कितने दिन में काम फिनिश होगा, तो गुना में एक्स जो काम जो पूछा है कितने दिन, तो उसमें एक्स कर दिया और कितना काम करना है 144, तो 16 इसके नीचे हम लेके आते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए 16 निमा 144 यानी 16 को 9 से गुना करने पर 144 आते हैं। इसका मतलब काम जो है वो 9 दिन में समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। यदि 12 आदमी या 24 औरतें एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 12 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट सुनने की बात है, कहते हैं 12 आदमी या 24 औरतें, यानी चाहे 12 आदमियों से काम करवाइए चाहे 24 औरतों से, यहां पर या है या अथवा है, इंग्लिश में और इसको हम कह सकते हैं। यदि 12 आदमी या 24 औरतें एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 24 औरतें अब दोनों मिलकर, या 15 आदमी और 24 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इफ 12 मैन और 24 वुमेन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल टेक 15 मैन एंड 12 वुमेन टू कंप्लीट दिस।
फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, इफ 12 मैन और 24 वुमेन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल टेक 15 मैन एंड 12 वुमेन टू कंप्लीट दिस। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है 12 आदमी या 24 औरतें, कहता है 12 आदमी या 24 औरतें, या 24 औरतें, देखिए स्टूडेंट्स 12 आदमी या 24 औरतें, इसका मतलब क्लियर सा नहीं हो गया? ये देखिए 1:2, यानी यहां आदमी और औरत 1:2 में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा काम और समय में जब आदमी और औरतें या आदमी और बच्चे काम को करते हैं तो हमेशा हमें काम उनसे करवाना चाहिए जो काम को अधिक समय में करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यह तो पता चल ही गया कि यहां पर एक आदमी बराबर है 2 औरत है। क्यों? क्योंकि काम किसी से भी करवा लिया जाए, काम उसी से, या तो 12 आदमियों से हम करवाएं या 24 औरतों से। तो यहां हम कह सकते हैं हम जो काम को ज्यादा समय में करते हैं उनको लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो 24 औरतें काम को करती हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 औरतें काम को करती हैं 28 दिन में। ये देखिए, क्योंकि यहां चाहे 12 आदमियों से हम काम कराएं चाहे 24 औरतों से, मैंने आपको बताया काम उनसे करवाना चाहिए जो काम को अधिक समय में करते हैं, उसमें आसानी होती है। देखिए 24 औरतें काम को करती हैं 28 दिन में, तो एक औरत इस काम को करेगी बहुत ज्यादा दिन में, ज्यादा के लिए, ये देखिए गुना, ज्यादा के लिए गुना होता है। फिर कहता है तो बताइए 15 आदमी और 12 औरतें उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहां 15 तो आदमी है, ये देखिए आदमी कितने हैं 15, और कहता है 12 औरतें। देखिए 15 आदमी और 12 औरतें, अब की बार इन दोनों से काम करा रहा है। कैसे? अब हमें यह तो बताइए कि एक आदमी बराबर 2 औरतें और हम काम करवा रहे हैं औरतों से, तो देखिए 12 औरत तो हमारे पास यही है, सीधी दी हुई है क्वेश्चन में, 12 औरत तो ये हो गई। लेकिन इन आदमियों, क्योंकि हम काम औरतों से करवा रहे हैं तो इन आदमियों से भी हम औरतों की शक्ति बनाएंगे। तो 15 आदमियों से कितनी औरतों की शक्ति बनेगी ये देखेंगे, एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 15 आदमी बराबर 30 औरत। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, 15 आदमी अगर 30 औरत के बराबर है, 30 औरत तो ये बन गई, ये देखिए 30 औरत, और 12 औरतें ये है। क्यों? क्योंकि कहता है कि यदि 12 आदमी और या 24 औरतें काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 12 औरतें यानी दोनों मिलकर 30 और 12 यानी इन 15 आदमी और 12 औरतों की कुल औरत कितनी बन गई, 42। तो कुल 42 औरत, तो 42 औरत उस काम को करेंगी बटे 42। काट सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 7×28 और 7×6 42, 6×4 24, देखिए 16 दिन में, तो काम जो है 16 दिन में स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन इस कुछ क्वेश्चन में और उसमें बहुत अंतर भी है, क्योंकि देखिए उसमें आदमी या औरत काम कर रहे थे, लेकिन इसमें आदमी और औरत काम कर रहे हैं। देखिए यानी आदमी भी और औरत भी दोनों शामिल है। उस क्वेश्चन में हमारे पास ये हिंट था कि अगर हमें ये पता चल जाए कि एक आदमी बराबर है कितनी औरत, यानी रेशियो का पता चल जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में रेशियो बनाना भी इस क्वेश्चन की कठिनाई है। अगर रेशियो बन जाता है तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने आपको पहले करवाया था। यहां रेशियो बनाना ही इस क्वेश्चन को हल करना है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखिए 10 पुरुष और 6 लड़के, अब और है, पहले या थे, पहले या औरतें थी, अब देखिए 10 पुरुष और 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 10 पुरुष और 6 लड़के दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 12 पुरुष और 4 लड़के इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बताओ 8 पुरुष और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहां पर या नहीं है, यहां पर अथवा नहीं है, यानी यहां पर रेशियो नहीं है, रेशियो का हमें पता ही नहीं है, और रेशियो का नहीं पता है तो सवाल कैसे निकलेगा। रेशियो निकालना ही इस सवाल की मुसीबत है, और वो हम आपको बिल्कुल इजी मेथड से निकाल कर दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश में भी देखिए स्टूडेंट एक बार, 10 men and 6 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, व्हाइल 12 men and 4 boys कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, फाइंड हाउ मेनी डेज विल टेक 8 men and 8 boys टू कंप्लीट द सेम वर्क। एक बार फिर स्टूडेंट्स, 10 men and 6 boys can complete a work in 20 days while 12 men and 4 boys can do the same work in 18 days.
फाइंड हाउ मेनी डेज विल टेक एट मैन एंड एट बॉयज टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए स्टूडेंट्स कहता है 10 पुरुष और 6 लड़के। देखिए यहां पर 10 पुरुष और 6 लड़के, देखिए मैं ज्यादा ना लिखकर कम से कम लिखकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। 10 पुरुष और 6 लड़के एक काम को, देखिए मैं किस तरह से करता हूं, एक काम को 20 दिन में करते हैं। यहां पर या नहीं है, और या होता तो रेशियो बनाया होता, लेकिन हमें अब रेशियो बनाना पड़ेगा। दूसरे में कहता है स्टूडेंट्स 12 पुरुष और 4 बालक इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। देखिए 12 पुरुष और 4 बालक इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 10 पुरुष और 6 बालक 20 दिन में, 12 पुरुष और 4 बालक 18 दिन में कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो रेशियो बनाने के लिए मैं यहीं पर आपको एक तरीका बताता हूं। ये देखिए इसको इससे गुणा कीजिए, बालकों से 6 × 12 120, ये देखिए 120, 6 × 12। अब देखिए 20 को 10 से गुणा कीजिए 200, ये देखिए स्टूडेंट 200। यहां ये एक पहला समीकरण बनता है स्टूडेंट्स, पहला समीकरण बना लेते हैं। फिर देखिए 20 को 6 से गुणा और 20 को 10 से गुणा, ये देखिए। अब देखिए 18 को 4 से, 18 चौक 72, ये देखिए स्टूडेंट 18 और 12 की गुणा कीजिए स्टूडेंट 216, ये देखिए ये दूसरा समीकरण तैयार हो जाता है। ये देखिए समीकरण दो, दोनों को आपस में हम घटाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स 10 पुरुष और 6 बालक 20 दिन में, तो हमने 20 को 6 से गुणा किया 120, फिर देखिए 20 को 10 से किया 200, प्रोडक्ट इसका निकल गया। अब देखो दूसरे में देखिए 12 पुरुष और 4 बालक 18 दिन में, 18 चौक 72 और देखिए 18 और 12 की गुणा 216। इन दोनों को आपस में घटाते हैं, ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं है, जो भी है कम ज्यादा वो निकाल लें। यहां देखिए 200 और 216 का डिफरेंस कितना आया 16, ये देखिए। और यहां देखिए 72 और 48, 72 और 120 का डिफरेंस जो है यहां पर 48 का आया। इसका मतलब ये इतना उस क्वेश्चन से फालतू है, हमें यहां पर ये निकालने के लिए कि रेशियो किस रेशियो में ये काम करते हैं, हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया तो हमें रेशियो मिला 1:3। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पुरुष और बच्चे 1:3 में काम करते हैं, यानी 1 पुरुष बराबर है 3 बच्चे। अब इनमें से हम किसी एक समीकरण को उठा सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एक समीकरण उठाएं और उसको खोल के पूरे बच्चे बना लें, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि हमें काम केवल उनसे कराना चाहिए जो काम को अधिक समय में करते हैं, और अधिक समय में करने वाले कौन है, बच्चे, तो बच्चों से काम करवाते हैं। और ये समीकरण उठाकर देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यानी 6 बच्चे तो हमारे पास पहले से ही है 6 बच्चे, और 10 बच्चों के कितने बच्चे बने, 10 व्यक्तियों के कितने बच्चे बने, देखिए स्टूडेंट्स अगर एक आदमी बराबर है 3 बच्चे तो 10 आदमी बराबर है 30 बच्चे, तो देखिए 30 और 6 बच्चे ये हैं, तो कितने हो गए 30 और 6 36, तो 36 बच्चे ये बन गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है 36 बच्चे, तो हम कह सकते हैं 36 बच्चे एक काम को करते हैं 20 दिन में। ये देखिए स्टूडेंट 36 बच्चे एक काम को करते हैं 20 दिन में। अब कहता है एक बच्चा उस काम को कितने दिन में करेगा, एक बच्चा ज्यादा दिन में, 20 × 36, ये देखिए स्टूडेंट्स। अब कहता है अब एक समीकरण जो दिया है जिससे काम करवाना है वो क्या है, तो कहता है 8 पुरुष और 8 बालक उस समय उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमें रेशियो का पता है, नो प्रॉब्लम, हमें पता है, हमने एक समीकरण को एक समीकरण को उठाया, इसको हमने खोला तो इसके 36 बालक बने, 36 बालक एक काम को करते हैं 20 दिन में, एक बालक करेगा 36 × 20, देखिए। और कहता है 8 पुरुष और 8 बालक उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 पुरुष और 8 बालक, 8 बालक तो हमारे पास हैं, और 8 पुरुषों से कितने बालक बनेंगे, देखिए जब एक आदमी बराबर है 3 बच्चे तो 8 आदमी बराबर कितने हुए 24 बच्चे, 24 बच्चे ये हो गए और 8 बच्चे ये हो गए, देखिए 24 और 8 32, तो इसका मतलब 32 बच्चे कुल हो गए, तो 32 बच्चे उस काम को करेंगे बटे 32। ये देखिए स्टूडेंट हम काट सकते हैं इसको कि 4 × 36 और 4 × 8 = 32, ये देखिए 4 × 8